ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओ स्वीट गॉड भाभी, पता है क्या जबरदस्त आइडिया आया है मुझे, कितनी इंटेलिजेंट हूं मैं, क्या इंटेलिजेंट आइडियाज आते हैं मुझे, पता है भाभी एक बार ना मैं मनु आइडिया बता, मेरी एक फ्रेंड को ना अभी न्यूज़पेपर में जॉब मिली है, अगर मैं उससे कहूं कि हम तीनों की न्यूज वो न्यूज़पेपर में दे दे तो स्वीट गॉड वी बी सो पॉपुलर ना, पॉपुलर मन्नू हम लोग ना सी हम लोग ना सीक्रेट एजेंसी समझी, देख आज तूने ये बात बोल दी लेकिन आज के बाद ये बात सोचना भी मत, और अगर सोचो डैड जी को अगर इसकी हवा लग गई ना तो इसकी तो मतलब किस बात की हवा डैड जी, यप्पी आई मिस यू टू जी डियर, डैड जी लोनावला से इतनी जल्दी वापस आना पड़ा, चीफ का फोन आया था कुछ जरूरी काम आ गया, यू मीन एक और नया मिशन डैड जी, यस आप ऑर्डर दीजिए एजेंट हमारे, वी आर रेडी, कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें मिशन पे भेजने से पहले मुझे एक कोड क्रैक करना है, ओह स्वीट गॉड क्या हुआ, ओह स्वीट गॉड मॉम कहाँ है, ओ सू सू लोनावला में ही है, क्यों उसने वापस आने से मना कर दिया, कह रही थी डीएन आपको जाना तो चाहिए, हम तो कुछ दिन और लोनावला में वो करके आएंगे, वो मजे बाय द वे जब मैं अभी अंदर आया था तो मनु क्या कह रही थी किस चीज की हवा नहीं लगेगी, डैड जी एक्चुअली वो ये कह रही थी कि कुछ नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग यू नो, अच्छा एंड छुट्टी वुट्टी बहुत हो गई, एजेंट माउंट एवरेस्ट काम पे ध्यान दो, जाओ और कोड क्रैक करो, इट्स एन एक्स कैप्टन ऑर्डर, गॉड व्हाट द हेल, ये कोड क्रैक क्यों नहीं हो रहा है, तोड़ेगा क्या इसने, पते तू यहां दूध का ग्लास देने आया ना, हाँ तो चुपचाप से टेबल पे रख दे और दफा हो यहां से, ये तू फोन किसको कर रहा है, दीदी ने, इब्बे बताता हूँ दीदी को कि तन्ने मारे को डांटा से, अरे नहीं हाँ। फते मैंने कहाँ डांटा तुम्हें, मैं भला तुझे डांट सकता हूँ क्या, वो तो मैं मजाक कर रहा था, सॉरी बोल सॉरी, ओके लगता है ये गधा यहां से जाने वाला नहीं है, क्या करूं कैसे भगाऊं इसे, जीजा तू ये कंप्यूटर ने तोड़न क्यों लाग रहा था, मन कर रहा था, मारा भी मन करन लाग रहा है तोड़न का, फते 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 क्या कोड एक्सेप्टेड, ये मैं कोड क्रैक हो गया और फते ये सब तूने किया वो कहावत सही है कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, तन्ना मार को खोटा क्या सिक्का सिक्का का मैंने तारीफ की तेरी, ये ठीक से लेकिन मन्ना एक बात बता, यो कोड है किस चीज का, कोड वो ये हाँ ये मॉल का कोड है,
अगर इस कोड के साथ मैं 1 किलो भिंडी खरीदूंगा ना, तो मुझे 5 किलो आलू फ्री मिलेगा। 1 किलो भिंडी के साथ 5 किलो आलू फ्री? हाँ। जल्दी से डेन में जाकर चीफ को ये डेटा ट्रांसफर कर देता हूं। तुम ये 1 और 5 का कैलकुलेशन करते रहो, मैं 2 मिनट में आता हूं। अच्छा। ओ गॉड, ये पानी आ गया ना। अरे मेरे पेपर। अरे बाप रे। जीजा नहीं आया अब तक। 2 मिनट की बोल के गया था पर अब तक वापस भी ना आया। जीजा, रे जीजा, जीजा, किस चला गया जीजा, जीजा। पति मामा, क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो इतना? शीशा देख लिया क्या? गुड वन। रे गुड वन ना भांजी, बैड वन बोल, बैड वन। अरे बात क्या हुई है वो बताइए। जीजा हमने छोड़ के जा लिया। हाय हाय, क्या? किधर गए? रे जीजा तू वापस आ जा जीजा। ए मामा। फोन कर रहा हूँ, रुको। जालिया मतलब क्या? फोन किया था मैंने, 3-4 बार मिलाया था, जिज्जा का फोन भी हो पा रहा था। आप फोन लगाइए देवर जी, फोन लगाइए आप। The number you are trying to call is currently switched off. अभी फतेह मामा सही कह रहे हैं, डैड का फोन तो ऑफ आ रहा है। कल रात से जिज्जा घर वापस नहीं आया। रात में 12 बजे मैं उसके कमरे में गया था दूध का ग्लास देन, 2 मिनट का बोल के गया था। अरे देख बांजे, 8 घंटे हो लिए, क्या लग रहा था कि कोड क्रैक हो लिया। मन्ना तो लग गया से, कोड के साथ साथ जिज्जा भी क्रैक हो लिया। कोड? कैसा कोड? तनु, तुम्हें लगता है डैड जी डेन में होंगे? आप यहाँ संभालो, मैं डेन में देखकर आती हूँ। खड़े हो, आ जाओ, आ जाओ, करते हैं कुछ, खड़े हो जाओ। फते मामा, डैड जी को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए, ठीक है? नहीं रोना। भैया मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा अगर भैया। अरे कुछ नहीं होगा, कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। घर की बहुएं तुलसी माँ की पूजा करती हैं, उसे उखाड़ती नहीं है। डैड जी, आपका फोन क्यों बंद है? फोन? फोन क्या होता है? डैड जी, थैंक गॉड, आई जस्ट होप यू आर ओके। अंग्रेजी दीनानाथ चौहान की बहू होके
लगता है किसी नए मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एजेंट हिमालय। डैड जी मुझे लगता है आपको नए मिशन कार्यों की अवहेलना करके अपने ससुर के कान में फुसफुसा रही हो। लगता है तुम ऐसे मानने वाली नहीं हो। ठीक है बहू, अब तुम देखो। गली गली में शोर है, मेरी बहू काम चोर है। अंग्रेजी में बतियाती है, काम से आम चुराती है। तन्नु बहु हाय हाय, 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 तन्नु बहु हाय हाय। डैड जी मिल गए। ओह भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन डैड जी ना बड़े अजीब से बिहेव कर रहे हैं। नहीं 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 भाभी, अब बिहेव को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यवहार। हाँ डैड जी ना बड़े अजीब से व्यवहार कर रहे हैं। ओ स्पीड गॉड भाभी, व्हाट इज दिस व्यवहार एंड ऑल? नॉर्मली हिंदी में बोलो ना। हाँ तनु, तुम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? व्हाई? ये गर्व में सच कह रही हूँ, डैड जी को ना कुछ हो गया है। वो पता नहीं क्यों शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि आपका फोन बंद क्यों है, तो मुझसे बोलने लगे। फोन? फोन क्या होता है? और भी बोलने लगे। दीनानाथ चौहान की बहू होके अंग्रेजी में वार्तालाप, अगर कोई अंग्रेजी में बोलेगा तो मेरा खून। मुझसे अरे मैं यहां क्यों बैठा हूं? स्ट्रेंज। धनु बेटा। डैड जी, डैड जी कहां चले गए थे आप? आपको पता है आप कितना परेशान हो गए थे और कितना मिस किया आपको हमने। बट डैड, फत्ते मामा बता रहे थे कि आप कल रात से जिंदा। तो जिंदा से जिंदा, तो जिंदा मैं जिंदा। जिंदा नहीं तो क्या भूत हूं? मिस्टर फतेह सिंह, You stay away from me, understand? ठीक से। Oh sweet God, Dad, आप English बोल रहे हो? Yes, of course. क्यों? तुमने पहले मुझे English बोलते हुए नहीं सुना? कमाल है, अभी तो बोल रहे थे कि अंग्रेजी में वार्तालाप मत करो, अब खुद कर रहे हैं। Anyway, where's Tanu? यहीं तो थी। Tanu बेटा, where are you? Yes, Dad जी। तुम अंग्रेजी में क्यों बोल रही हो? कितने डैड नहीं बाबूजी कहो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई आई क्यों? क्योंकि तुमने इस घर में दीनानाथ चौहान के घर में अंग्रेजी बोलने की उद्दंडता की है। ओ स्वीट गॉड, व्हाट्स दिस उद्दंडता एंड ऑल? बालक है। और तुम लोगों ने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अब क्यों है ना? खलास! जाओ और जाकर खादी पहन के आओ। खादी? What's खादी ना? तुरंत
बिना किसी विलंब के। चुप कर मनु। हाय हाय, हमारे डैड जी को क्या हो गया? मॉम बताती थी कि डैड अपने कॉलेज डेज में स्वतंत्रता सेनानियों की किताबें बहुत पढ़ा करते थे, तो हो सकता है आज उनको वही गुलामी के दिन फिर से याद आ गए हों। हमें लगता है कि डैड जी को थोड़े आराम की जरूरत है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए तो? हम सच कह रहे हैं शौरी जी, पता नहीं डैड जी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ओके रखते हैं। भाभी भाभी जल्दी से अपना सामान बांधो और यहाँ से भाग चलो। क्यों क्या हुआ? हाय हाय, अब कौन सी मुसीबत आ गई? आने वाली है, लू आ गई। भाभी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मनु तू तो ऐसे क्यों बात कर रही है? हे मीठे भगवान, अब लगता है ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। हे मीठे भगवान? भाभी, ओ स्वीट गॉड, वो क्या है कि ये हिंदी में बात कर रही है ना? और आप भी आज से हिंदी में ही वार्तालाप करेंगी, समझी? ये दीपक छाया तेरा क्यों है? दीपक छाया? इतना भी नहीं जानती? दीपक अर्थात लैम्प, छाया अर्थात शेड, यानी लैम्प शेड। मनु तू हमें डरा रही है। बाबूजी ने क्या उपदेश दिया था? उपदेश नहीं, आदेश। बाबूजी ने क्या आदेश दिया था? बाबूजी ने आदेश दिया था कि आज से अंग्रेजी में कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा। मरण है? मरण है? मरण है नहीं, स्मरण है। हाँ, वही। मैंने इस शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में से लगभग सारे शब्दों का अर्थ सीख लिया है। बस एक शब्द है जिसका अर्थ मुझे क्या नहीं हो रहा, और वो है यप्पी। ये यप्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? मनु, हम मनु को हिंदी में मनु कहते हैं, तो वैसे ही यप्पी को भी यप्पी ही कहते हैं हिंदी में। सच? सच? अब शीघ्र अति शीघ्र जीवित कमरे में आए। मनु तू क्या बोलने की कोशिश कर रही है? मनु अब जीवित कमरा क्या होता है? मीठे भगवान, अब लगता है ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। देखिए, जीवित अर्थात लिविंग, कमरा अर्थात रूम, जीवित कमरा अर्थात लिविंग रूम। वाह मनु वाह। चलिए शीघ्रता कीजिए, बाबूजी प्रतीक्षा करते होंगे। बाबी कहा था ना मैंने आपको, कहा था ना यहाँ से भाग चलते हैं। मुझे डैड जी का तो नहीं पता, बट ये जो लड़की है ना, ये हम दोनों को पागल कर देगी। तनु, एजेंट्स डेन में आओ जल्दी। हाँ डैड जी इंग्लिश में बात करें? अरे ये हो क्या रहा है? मुझे भी तो नहीं पता। मैं समझ गई, मुझे तो लग रहा है कि मॉम की याद मेरा डैड खिल गए हैं। मनु लेट्स गो। चलो भाभी। ऐसे नहीं। ऐसे नहीं मतलब? रिमेम्बर खादी और हिंदी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.